फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डविन क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको पार्ट टू करवाने वाला हूँ इस चैप्टर का, ठीक है। ज्योमेट्री स्थानांक जो है आपको मैं फिर से बता देता हूँ। तो इसमें आपको सिर्फ दूरी निकालना है। तो कल मैंने आपको जो क्लास करवाया था, तो आई होप कि आपको क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज मैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर बढ़ता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पार्ट टू होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स अभी कि आज मैं आपको पार्ट टू करवाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पार्ट टू है लिखा हुआ। क्या हो रहा ना कि ये बहुत ही बड़ा कॉपी है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा चौड़ा है। इससे थोड़ा सा ये मेरा कैमरा में नहीं हट रहा और मुझे अभी, मैं तो इसे मोबाइल से शूट कर रहा हूँ ना, इसीलिए अब मोबाइल को स्टैंड करने के लिए भी तो थोड़ा सा जगह चाहिए, इसीलिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा। और देखिए जो आपको जो दिखाई दे रहा है ना, इसी के ऊपर हमारा मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी मैं आपको मोबाइल को बढ़ाऊंगा, अपने मोबाइल को, तो ये गिर जाएगा, इसीलिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, जो आपको देखना चाहिए वो आपको दिखाई दे रहा है। ये तीन ठो वैल्यू हमको दिखाई देना चाहिए, तो बस वो दिखाई दे रहा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि गणना करके देखें कि 7, 9, 3, -7 और 3, -3, 3 क्या है, बिंदु समकोण त्रिभुज है ना। देखिए क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, मतलब कि ये तीनों बिंदु जो है हमारा समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। मान लीजिए कि हमारा ये क्या है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर एक ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरा तीन ठो जो वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है, तो तीनों को हम एक नाम दे देते हैं। तो पहला को नाम दे देते हैं 7, 9, इसको हम ए मान लिए, ठीक है। जो हमारा बी है इसको मान लेते हैं 3, -7। हमको तो बस दूरी निकालना है ना फ्रेंड्स। अब इसको कुछ भी मान लीजिए। अब यहाँ पे सी को हम मान लेते हैं जो हमारा थर्ड नंबर पॉइंट है, -3, 3। बस हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपको भाई संपूर्ण त्रिभुज का तीन भुजा होता है, ए बी बी सी सी ए, देखिए ना, 1, 2, 3 हो गया। अब ये क्या है, ए बी ये वाला हो गया, फिर बी सी ए हो गया और सी ए हमारा ये हो गया। बस आपको यहाँ से तीनों निकालना होगा। पहले आपको ए बी निकालना होगा, फिर आपको यहाँ से लिखते हैं तो ये हमारा बी सी निकालना पड़ेगा, और फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, फिर आपको सी ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको ए बी दिखाता हूँ, बस सेम करना, सेम काम। देखिए अब हमारा ए बी में तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। तो अभी हम इस दोनों को लेकर चलते हैं। तो आप इसे ध्यान में बैठा कर रखिएगा फ्रेंड्स कि हमारा एक्स वन है और ये हमारा क्या, वाई वन है। अब ये हमारा एक्स टू और ये हमारा वाई टू हो जाएगा, क्योंकि अभी हम ए वही अभी हम लोग ए और बी को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर डायरेक्ट बैठाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x2 - x1² + y2 - y1² ठीक है। अब देखिए हमारा x2 हो जाएगा, क्योंकि बताए थे कि हम लोग बस यहाँ पे ए बी और बी लेकर चल रहे हैं। तो हमारा पहला जो है उसको हम लोग मान लेते हैं a1 b1, और जो दूसरा है उसको हम लोग मान लेते हैं x2 y2। पहले हम लोग मान लेते हैं x1 y1। अब देखिए यहाँ पुट करते हैं तो हमारा x2 क्या हो जाएगा, 3 है, 3, और -x1 क्या है हमारा 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 क्या है हमारा -7 दिया है, और ये क्या है y1 यानी कि माइनस, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, और -9 का स्क्वायर देखिए हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 में से 7 जाएगा तो -4 का होली स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा -16 का होली स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ गया, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 का स्क्वायर 256 होता है। जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 256 और 6 262 और 272, तो ये हमारा हो गया 100 और 272 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। बस हो गया, ये हमारा ए बी निकल के आया, ठीक है, ये हमारा सिर्फ ये निकल के आया। अब हम लोग बी सी निकालते हैं, यानी अब हम लोग बी और सी लेकर चलते हैं। तो अब ये हमारा हो जाएगा x1 और ये हमारा हो जाएगा y1, क्योंकि हम लोग अब इसका काम नहीं करना है, ठीक है, अब हमको इसका काम करना है और इसका काम करना है। तो ये हमारा हो जाएगा x1 और ये हमारा y1, और ये हमारा हो जाएगा इसके लिए x2 और ये हमारा हो जाएगा क्या, y2। चलिए अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आई होप कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो रुकिए थोड़ा सा, मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे, वही सेम चीज़, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x2 - x1² + y2 - y1² ठीक है। अब देखिए हमारा x2 क्या हो जाएगा, तो हम लोग b और c लेकर चल रहे हैं ना फ्रेंड, देखिए हम लोग b और c लेकर चल रहे हैं, तो ये हमारा c2 में क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x2, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। तो
तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस थ्री, फिर ये माइनस, और ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स वन हो जाएगा थ्री, तो ये हमारा ये भी हो जाएगा हमारा माइनस थ्री, प्लस वाई टू हमारा क्या है थ्री दिया है माइनस, और ये हमारा हो जाएगा प्लस सेवन का होल स्क्वायर। मतलब कि आपको जो भी लेकर चलने बोला जा रहा है, जैसे आप बी सी लेकर चल रहे हो तो आपको जो बी वाला पॉइंट जो होगा, ठीक है, आपका ये जो बी वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा हो जाएगा एक्स वन और ये वाई वन, और हमारा ये जो सी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स टू, और ये हमारा हो जाएगा क्या वाई टू। आपको बस जो भी दो ठो पॉइंट लेकर चलने के लिए बोला जाएगा फ्रेंड्स, उसमें आप पहला वाला को मान लीजिएगा एक्स वन वाई वन और दूसरा को मान लीजिएगा एक्स टू वाई टू। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस थ्री और माइनस थ्री यानी क्या माइनस सिक्स का स्क्वायर हो गया, फिर ये प्लस, और तीन और सात क्या होता है दस, तो देखिए दस का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा छः का स्क्वायर छत्तीस और दस का स्क्वायर सौ, तो ये हमारे क्या निकल कर आ गया फ्रेंड्स अंडर रूट एक सौ छत्तीस हो गया सॉल्व। अब हम लोग लेकर चलते हैं सी ए, ठीक है, अब हम लोग लेकर चलते क्या सी ए, ये भी सेम है। अब देखिए सी ए में ये हम लोग सी मान लिए तो ये क्या हो गया हमारा एक्स वन और ये हो जाएगा हमारा वाई वन, और जो हमारा ए है ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स टू वाई टू, क्योंकि हम लोग देखिए सी ए लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर तो नहीं हो पा रहा। चलिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए जगह भी अच्छा खासा दिया है, तो यहाँ पर मैं आपको सी ए लेकर चलता हूँ। देखिए सी ए क्या हो जाएगा, तो हम लोग सी, तो हमारा जो पहला सी है ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स वन वाई वन, और जो हमारा ए है ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स टू वाई टू। चलिए बैठाते हैं, तो एक्स टू माइनस एक्स वन फार्मूला है ना, तो हमारा एक्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एक्स टू हो जाएगा सात, तो यहाँ से क्या कर देंगे सात माइनस, और ये हमारा हो जाएगा क्या, देखिए ये हमारा है एक्स वन और ये हमारा है वाई वन इसके लिए सी ए के लिए, ठीक है, और ये हमारा है एक्स टू और ये हमारा है वाई टू, ठीक है फ्रेंड्स, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो देखिए पहले क्या है हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि सात माइनस क्या हो जाएगा माइनस थ्री यानी कि प्लस थ्री ये हो जाएगा, फिर प्लस दूसरा हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स वाई टू माइनस वाई वन यानी कि नौ, नाइन माइनस और ये क्या हो जाएगा हमारा वाई वन यानी कि नाइन माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा सात तीन दस का स्क्वायर, और ये नौ में तीन जाएगा तो छः का स्क्वायर हो गया। अब ये दस का स्क्वायर क्या हो गया सौ हो गया, और छः का स्क्वायर क्या हो जाएगा छत्तीस हो गया, ठीक है। अब ये हमारा हो गया अंडर रूट एक सौ छत्तीस। देखिए अब आपका ये तीन ठो वैल्यू आ चुका है। अब यहाँ पे सवाल में क्या बोला था कि ये तीनों पॉइंट जो है हमारा ये क्या समकोण बिंदु के शीर्ष बिंदु है, गणना करके देखें। अब समकोण बिंदु में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो होता है इसके बराबर होता है, यही ना होता है, क्योंकि ये हमारा कर्ण दिया हुआ है। तो देखिए हमारे ए बी प्लस बी सी लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए कोई भी दो ठो लेकर चलते हैं तो क्या हमारे बी सी और सी ए लेकर चलते हैं, तो देखिए बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए फ्रेंड्स हमारा, तो ए बी का स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू में अंतर हो सकता है बट कोई बात नहीं, आपका डायग्राम में आप जो भी चेंज कर दीजिए, लेकिन कर्ण का क्योंकि हमारा समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि किसी भी दो भुजा का जो स्क्वायर का जो सम है, दो भुजा का स्क्वायर का जो सम है वो हमारे तीसरे भुजा के स्क्वायर के बराबर है, यही ना कहता है हमारा समकोण त्रिभुज। तो देखिए बी सी का स्क्वायर, देखिए हमारा बी सी कितना दिया 136 दिया है, इसका जब स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या आएगा 136 आएगा ना, रूट हट जाएगा, तो और सी ए सी ए देखिए हमारा 136 आया, ये हो गया। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 272 आ जाएगा, जो देखिए हमारा ये ए बी में दिया हुआ है, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा ये प्रूफ हो गया, क्योंकि जो निकालने के लिए बोला गया था वो तो हम निकाल ही दिए ना। बस आपको सिंपल सा, मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूँ कि आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको बस दूरी निकालना है, दो ठो पॉइंट मान लीजिए ये हमारा एक्स वन वाई वन हो जाएगा और ये हमारा एक्स टू वाई टू हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको उसका बीच का दूरी निकालना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए हमारा बोल रहा क्या कि प्रमाणित करें कि ये जो निम्न बिंदु हमारा ये जो दिया हुआ है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग उसका कहते हैं जिसकी दो भुजा बराबर होती है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या जिसकी दो भुजा बराबर होती है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा की जरूरत नहीं है, बस दो भुजा जिसके बराबर होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको भी बस वही सेम जैसे मैंने आपको पुराना क्वेश्चन बताया, अभी जो मैंने आपको बताया एक पहला नंबर क्वेश्चन, उसके जैसा ही हमारा दूसरा भी बनेगा। मान लेते ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया, तो पहले हम लोग ए बी लेकर चलते हैं। अब इसको आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, अब हम जब ए बी लेकर चल रहे हैं तो ये हमारा एक्स वन और ये वाई वन और ये हमारा एक्स टू और ये हमारा क्या हो जाएगा वाई टू हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से एक्स टू हमारा क्या दिया हुआ है, तो फोर है, तो फोर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू हमारा क्या दिया हुआ देखिए ये, तो वन माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा फोर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब ये चार में गया तीन का स्क्वायर हो गया,
और एक में चार गया तो भी माइनस थ्री का स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाएगा 9, और ये भी हमारा 9 यानी क्या आ गया, हमारा रूट 18 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या लेकर चलेंगे, बी सी लेकर चलते हैं। तो देखिए हम लोग बी सी लेकर चलते हैं, देखिए क्या हो जाएगा बी सी। अब ये हमारा हो जाएगा एक्स वन और ये वाई वन, और ये हो जाएगा हमारा एक्स टू, और ये हमारा हो जाएगा वाई टू। तो देखिए क्या हो जाएगा डायरेक्टली, बट तो चलिए बैठा देते पहले फॉर्मूला, इसका स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक्स टू हमारा क्या हो जाएगा एट माइनस एक्स वन क्या है हमारा, तो फोर है, इसका होल स्क्वायर प्लस दूसरा भी हमारा वाई टू भी एट है, माइनस हमारा वाई वन क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा वन है, ये भी होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल कर आया, तो चार का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा सात का स्क्वायर, यानी चार का स्क्वायर हो गया हमारा 16 और सात का स्क्वायर क्या हो गया 49, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 49 और 6 55 और ये हमारा 65। देखिए हो गया ना, तो ये क्या हमारा सेम आ रहा है फ्रेंड्स, देखिए सेम आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो एक अभी मेरा एक पॉइंट और बचा है सी ए, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी तीन पॉइंट देते तो क्या निकलता है, ए बी बी सी और सी ए निकलता है। तो ये मैंने ए बी निकाल लिया, ये मैंने बी सी निकाल लिया, और क्या बचा, अब मेरा बचा है सी ए बचा है, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक है, अब मेरा बचा है क्या, सी ए बचा है। ठीक है फ्रेंड्स, सी ए बचा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सी ए निकालते हैं। तो देखिए सी ए में क्या हो जाएगा, वही सेम, अब ये हमारा हो जाएगा एक्स वन और ये हो जाएगा वाई वन, और ये फिर हमारा हो जाएगा एक्स टू, और ये क्या हो जाएगा वाई टू। क्यों, क्योंकि हम लोग सी ए लेकर चल रहे हैं, तो सी ए में पहले हमारा सी होगा ना, तब देखिए यहाँ भी सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 8 माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, एक ही बात है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 8 माइनस फोर का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, एक्स टू माइनस एक्स वन होना चाहिए था ना, यानी कि 1 माइनस 8 होना चाहिए था, तो बात बराबर ही पढ़ने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब इसे देखिए घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, अभी क्या आएगा हमारा, तो 49 प्लस आ गया 16। देखिए सेम आ गया ना, 65 अंडर रूट, मतलब अंडर रूट 65। अब देखिए हमारा जो दो ठो वैल्यू है, यानी एक वैल्यू हमारा जो बी सी है और एक वैल्यू हमारा क्या सी ए है, ये दो वैल्यू हमारा क्या आ गया, देखिए इक्वल आ गया ना, बी सी भी हमारा देखिए अंडर रूट 65 है और सी ए भी हमारा अंडर रूट 65 है, देखिए दोनों हमारा सेम आ गया, यानी कि ये प्रूफ्ड हो गया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज को प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम उसकी दो भुजा बराबर होनी चाहिए। मैंने कुछ किया बताइए, कुछ एक्स्ट्रा किया क्या, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन में सिखाया था कि जब भी हमारा तीन पॉइंट दिया जाएगा तो आप उसका सब चुपचाप, ठीक है, शांति से ड्राइंग बनाइए, ड्राइंग मत बनाइए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप शांति से सबसे पहले ए बी बी सी और सी ए निकाल लीजिए। अब जब भी जब दो ठो पॉइंट दिया रहता है तो मैंने आपको बताया था, आप पहला को मान लीजिए एक्स वन वाई वन, दूसरा को मान लीजिए एक्स टू वाई टू, सॉल्व कर दीजिए, देखिए आसानी से सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे तीनों निकाल लिए, उसके बाद फिर जो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ समकोण त्रिभुज, जो भी त्रिभुज दिया हुआ उसके हिसाब से आप दिमाग लगाइए कि उसको फॉलो कर रहा कि नहीं कर रहा उसके डेफिनेशन के साथ। तो देखिए फॉलो कर रहा, यहाँ भी देखिए हम सेम किया, यहाँ भी हमारा देखिए तीन ठो पॉइंट दिया हुआ था, तो हम लोग ए बी बी सी सी है, यहाँ भी हम लोग तीनों निकाल लिए। उसके बाद फिर क्या किए, इसका जो हमारा डेफिनेशन है समद्विबाहु त्रिभुज का, कि जिसकी दो भुजा बराबर होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ, तो बस अब मिला के देख रहे हैं आंसर में कि हमारा कौन सा दो वैल्यू बराबर आ रहा, जो भी हमारा दो ठो वैल्यू बराबर आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा दो वैल्यू बराबर हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा ये प्रमाणित हो गया है। ठीक है, अब आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ भी हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ भी देखिए हमारा तीन ठो पॉइंट दे दिया गया ए बी सी, और यहाँ भी हमको बताने बोल रहा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं और इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण है वो बताने बोल रहा, यानी कि सबसे पहला काम हमको क्या करना है, जब भी तीन पॉइंट देगा तो क्या निकाल लेना है, ए बी बी सी सी ए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए बी बी सी और सी ए निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या मेरा होता है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग ए बी निकालते हैं, तो हमारा ये ए हो जाएगा क्या 3.3 हो जाएगा, और हमारा ये बी क्या हो जाएगा तो 8.-2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्स वन और ये हमारा क्या वाई वन हो गया, और ये एक्स टू और ये हमारा वाई टू हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए और ये हमारा फॉर्मूला में क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखिए यहाँ पे एक्स टू हमारा क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ है, और एक्स वन क्या दिया हुआ 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू हमारा क्या है 2 है, और वाई वन क्या हो जाएगा हमारा तो 3 दिया हुआ, बस इसका स्क्वायर कर दिए। अभी क्या हो जाएगा 8 में 3 गया तो 5 का स्क्वायर प्लस, और ये हमारा क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर।
अब ये देखिए, ये भी हमारा 25 हो गया और ये भी हमारा 25 हो गया, यानी क्या आ गया हमारा अंडर रूट 50 आ गया। आ गया ना, बस ये इतना छोड़ दिया बना करके। ये हमारे क्या निकले, ये भी निकल गया। और मैंने आपको क्या बताया था कि 3 पॉइंट दिया जाएगा तो 3 वैल्यू निकालना, ये भी मेरा निकल गया ना। अब यहाँ से मैं बी सी निकालता हूँ। तो देखिए हमारा ये बी है और ये हमारा सी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स वन और ये हमारा हो जाएगा वाई वन, और ये फिर हमारा हो जाएगा एक्स टू और ये हमारा क्या हो जाएगा वाई टू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बी सी लेकर चल रहे। तो चलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट बैठाता हूँ, ठीक है। देखिएगा आप ध्यान से, एक्स टू माइनस एक्स वन होता है, तो एक्स टू हमारा क्या है माइनस टू दिया हुआ है, और फिर क्या है फ्रेंड्स माइनस, ये तो हमारा हो गया माइनस एक्स टू। अब हमारा क्या हो जाएगा माइनस एक्स वन, यानी क्या हो जाएगा माइनस आठ का स्क्वायर। फिर प्लस हमारा वाई टू क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, तो हमारा ये दिया हुआ माइनस टू, और फिर ये माइनस देकर क्या करेंगे पहला वाला, यानी कि प्लस टू, ठीक है। अभी देखिए क्या हो गया, ये तो हमारा जीरो हो गया ना। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए माइनस एट टू और माइनस टेन का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस एट का स्क्वायर, यानी माइनस दस का होल स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया। तो ये हमारा क्या निकल कर आया, सौ आ गया ना। और सौ का रूट क्या होता है फ्रेंड, दस होता है, दस इकाई। तो ये मैंने यहाँ पर निकाला ए बी और बी सी। अब मुझे क्या निकालना होगा, तो सी और ए निकालना होगा, यानी सी ए निकालना होगा। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ सी ए निकाल करके। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ सी ए। तो हमारा सी क्या दिया हुआ था, तो सी में हमारा था माइनस टू कॉमा माइनस टू, ठीक है, माइनस टू कॉमा माइनस टू। और ए में हमारा था थ्री कॉमा थ्री, ठीक है फ्रेंड्स, क्या था थ्री कॉमा थ्री था, ठीक है। बस हो गया, ये एक्स वन और ये हमारा हो गया वाई वन, ये हमारा हो जाएगा एक्स टू और ये हमारा क्या हो जाएगा वाई टू। अब देखिए यहाँ पे फिर से दूरी निकालते सी ए का बीच का, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेम टू सेम एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारा एक्स टू क्या है थ्री है, माइनस हमारा एक्स वन क्या दिया हुआ माइनस टू, यानी क्या क्या हो जाएगा प्लस टू का स्क्वायर, फिर ये माइनस, फिर ये सॉरी प्लस हो जाएगा। अरे वाई टू हमारा थ्री दिया हुआ और फिर हमारे ये माइनस टू यानी प्लस टू का स्क्वायर, देखिए क्या हो जाएगा पाँच का स्क्वायर यहाँ भी और पाँच का स्क्वायर यहाँ भी, और ये क्या आ जाएगा हमारा पच्चीस प्लस पच्चीस और फिर ये 50। अब देखिए जो हमारा सी, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखने का बहुत ज़रूरी है, जो हमारा सी ए आया वो हमारा क्या आया था फ्रेंड्स, वो हमारा ए बी आया था, ठीक है। जो हमारा सी ए आया वही हमारा ए बी भी आया था रूट 50, लेकिन जो हमारा बी सी है वो क्या आया था, वो हमारा आया 10। अब इस सवाल में आपको बोला गया था क्या कि आपको इसको दिखाना है कि कई कर्ण का स्क्वायर के बराबर, देख लीजिए आप क्या दिया है कि इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण है उसका लंबाई पूछ रहा था, तो बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सी ए हमारा क्या आया था फ्रेंड्स, 50 आ गया था अंडर रूट 50, इसका स्क्वायर कर दिए। ए बी हमारा आया था अंडर रूट 50 का स्क्वायर कर दिए, और हमारा बी सी क्या आया था फ्रेंड्स, 10 आया था। तो ये चलिए यहाँ कर देते हैं, अब ये देखते हैं कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है या नहीं है, हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 50 प्लस ये भी हमारा देखिए 50 हो गया, और ये क्या हो गया 100 हो गया 10 का स्क्वायर। तो देखिए 100 बराबर 100, यानी यहाँ से क्या हो गया, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज का फॉलो कर रहा। तो यहाँ पर बोला गया था कि हमारा कर्ण क्या होगा, देखिए कर्ण तो हमारा बी सी हो जाएगा ना, क्योंकि कर्ण क्या होता है हमारा लंब प्लस आधार का जो स्क्वायर है उसका योग का बराबर होता है। देखिए 100, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो कर्ण है वो हमारा कितना दिया हुआ है, तो वो हमारा दिया हुआ है 10, क्योंकि यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर ना हम निकाले हैं 100, लेकिन हमारा कर्ण क्या हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो कर्ण हमारा हो जाएगा 10 इकाई, ठीक है फ्रेंड्स। बस हो गया, अब आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, और क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है तो आपको इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना ही पड़ेगा, और इसके बाद फिर एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ, आप इसे बना करके मुझे आंसर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका हिंट्स दे दूँगा कि कैसे कैसे वो बनेगा, बस आपको सॉल्व करके आपको दे देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा कि वायु के किस मान के लिए इसके इसके बीच का जो दूरी होगा वो हमारा 10 होगा, तो सिंपल सा काम करना है दूरी बराबर, बस वही सेम चीज़, इससे डरना नहीं है फ्रेंड्स कि यहाँ मेरा वाई दे दिया गया तो क्या हो जाएगा, बस वही सेम फॉर्मूला, पहला को मान लीजिए एक्स वन वाई वन, दूसरा को मान लीजिए क्या एक्स टू वाई टू, बस बात ख़त्म हो गया।
अब यहाँ पर जो दूरी का फॉर्मूला है उसको बैठा दीजिए, तो क्या होता है, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यही होता है ना। अब ये दूरी मेरा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो इक्वल टू यहाँ पर 10 कर देंगे। अब चलिए बैठाते हैं वैल्यू, तो एक्स टू हमारा क्या दिया हुआ है, तो देखिए माइनस टेन दिया हुआ है ना एक्स टू, तो ये हो गया 10, और हमारा एक्स वन क्या दिया हुआ है, माइनस एक्स वन यानी माइनस टू का स्क्वायर, फिर ये प्लस वाई टू हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए -9, और ये वाई वन क्या दिया हुआ है, तो हमारा माइनस वाई दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 10 में 2 जाएगा तो बचेगा हमारा 8 का स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं तो सब हमारा प्लस हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो गया बराबर 10। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, यहाँ पे तोड़ देते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा ये 64, इसको अब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर 81 प्लस वाई स्क्वायर, फिर इस दोनों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18y। उसी फॉर्मूला से तोड़ेंगे फ्रेंड्स, कौन सा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसको हम ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं, तो अब ये हमारा हो गया क्या 10 हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब देखिए तो हमारा रूट जो है हट जाएगा और यहाँ पे हमारा स्क्वायर आ जाएगा इस प्रकार से, देखिए क्या हो जाएगा, ये 64 और 81 क्या हो जाएगा, 4 1 5 और 8 से 14 इतना हो गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 18y बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ये हमारा। अब सबको हम लोग एक तरफ लेकर आ जाते हैं, देखिए तो ये वाई स्क्वायर प्लस 18y और ये 145 में हमारा 100 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 18y, फिर ये क्या हो जाएगा 45 बराबर 0। अब ये ख़त्म नहीं हुआ फ्रेंड्स, हमको यहाँ से वाई का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा बनेगा कोई बात नहीं, आपको बस सीखने से ही तो मतलब है ना। अब देखिए हमारा क्या आया था, तो वाई स्क्वायर प्लस 18y प्लस 45 आया था ना बराबर 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, आप तो फैक्टर निकालना सीखे होंगे ना, तो क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 15y, क्योंकि देखिए प्लस 3y ये कैसे सॉल्व होता है, इस दोनों को गुना करने पे हमारा ये आना चाहिए 45 आना चाहिए, और जोड़ने पर हमारा बीच वाला आना चाहिए, देखिए आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इस दोनों में से इसको कॉमन लेना होगा और यहाँ से भी कॉमन निकालना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है y, तो अंदर में क्या बचेगा y प्लस 15। अब यहाँ से भी मैं कॉमन लेना, तो यहाँ से मेरा कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा, तो यहाँ भी क्या बचेगा हमारा वाई प्लस 15 बचेगा बराबर क्या 0 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर भी दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, तो वाई प्लस 15 और यहाँ पे क्या बचा, तो y प्लस 3 बचा इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको कर दीजिए इधर और, तो क्या हो जाएगा हमारा y प्लस 15 बराबर 0, यानी y का मान क्या हो जाएगा, तो ये माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है हमारा y प्लस 3 बराबर 0, तो हमारा y का मान क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारा y का 2 वैल्यू आ गया, तो बस हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था हमसे, y के किस मान के लिए, हो गया सॉल्व, बहुत ही इजी तरीके हैं। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट हुआ होगा तो आप फिर से मेरे वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, कि गणना करके दिखाए कि ये जो हमारे 4 बिंदु दिया हुआ एक ही वर्ग क्षेत्र के 4 शीर्ष बिंदु हैं, बस बहुत सेम है, इसको मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा वर्ग है, अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अब वर्ग में हमारा क्या होता है, 4 वैल्यू होता है ना, ए बी सी डी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, यहाँ से आप ए बी निकालिएगा, फिर यहाँ से बी सी निकालिएगा, फिर यहाँ से सी डी निकालिएगा, और क्या निकालिएगा, यहाँ से डी ए निकालिएगा, बस आप ये चारों निकालिएगा, देखिएगा कि आपका ये चारों वैल्यू मेरा सेम आता है कि नहीं आता है। ये कैसे वैल्यू निकालना आपको, तो मैंने सिखाया ना अभी मैं आपको 4 क्वेश्चन में सिखा दिया कि ए बी बी सी सी ए कैसे निकलता है, बस उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। और आप कमेंट कीजिएगा कि आपका ये जो है आंसर आपका मिला कि नहीं मिला, ठीक है। बस आपका ये चारों वैल्यू निकालिएगा, देखिएगा आपका चारों वैल्यू सेम आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारा वर्ग का बात कर रहा है और वर्ग का हमारा चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको होमवर्क रह गया, तो आप इसे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और फिर कल मैं आपको पार्ट 3 करवाने वाला हूँ, जो कि आपका ये लास्ट होने वाला है, क्योंकि पार्ट 4 में मैं आपको MCQ करवाने वाला हूँ ना, इसीलिए पार्ट 3 में मैं आपको फिनिश करवा दूँगा। चलिए फ्रेंड, जब तक के लिए बाय।